सकते हैं। आप कहते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो अफजल गुरु को फांसी में लटका दिया जाएगा, ये आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं है सियासत के लिए? अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए क्या? क्या देश में इस चीजों की लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट होनी चाहिए? मोदी कुर्ते की डिबेट होगी क्या? देश में लोकतंत्र में मोदी कुर्ते की डिबेट करोगे क्या? हर सियासत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी की तो डिबेट होनी है। एंड दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी। और चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और उत्सव में बहस होनी चाहिए, इश्यूज की चर्चा होनी चाहिए और ये राष्ट्र नीति से जुड़े हुए हैं। अफजल गुरु को फांसी मिलना चाहिए। मैं यहां जनता की अदालत को पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु को फांसी मिलनी चाहिए? एक आदमी मिलेगा जो कहेगा अफजल गुरु को फांसी ना मिले? और कोई मुझे बताए, जनरल हमारे जनरल बैद की हत्या हुई थी, एक पंजाब के लड़के ने उनकी हत्या की थी, उसको फांसी हुई, फांसी होने के बाद उसने भी दया की अर्जी की थी, लेकिन भारत सरकार की कैबिनेट ने 15 मिनट में निर्णय किया उसको फांसी पे लटका देना चाहिए और उसको तुरंत डेट तय करके फांसी पे लटका दिया गया। जनरल वैद्य के हत्यारे को, जो पंजाब का लड़का था, 15 मिनट के अंदर निर्णय कर सकते हो। आप अफजल गुरु को क्यों शोकेस में रखा हुआ है? किसको दिखाना चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट को मानोगे कि नहीं मानोगे? देश में जवाब उन लोगों ने देना चाहिए जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जवाब हमसे मत मांगो जो ये कहते हैं कि गुनहगार को फांसी मिले। हम तो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या ऐसे इश्यूज को आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे वोट लेने के लिए लोगों को? ये इस्तेमाल नहीं है, ये इस्तेमाल शब्द ठीक नहीं है। लोकतंत्र में लोक शिक्षा ये दहरे के राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि जिसने जनता को शिक्षित करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, जहां मौका मिले वहां कहना चाहिए। और देश में आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आतंकवाद का कानून के संबंध में आएगा, आतंकवादियों को सजा के संबंध में आएगा, आतंकवादियों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसका आएगा। ये सारे राष्ट्रनीति के विषय हैं और उसकी बहस होनी चाहिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुना वो करें और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर देगा? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ, ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाए और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। आपकी अदालत में आज जनता के इल्जाम और सवाल के घेरे में है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नरेंद्र मोदी का। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि इनके विरोधी इन्हें मौत का सौदागर कहते हैं। ये आरोप सोनिया गांधी का है, आपको याद होगा, उन्होंने गुजरात में जाके कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। उनकी मातृभाषा इटालियन है और उसके कारण शायद वो शब्दों को समझ नहीं पाई। हकीकत तो थी मत के सौदागर। वो बेचारी बोल गए मौत के सौदागर। हम मौत के मत के सौदागर हैं तो अच्छी बात है, गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पूरे गुजरात को एक रिपब्लिक की तरह चलाते हैं, रिपब्लिक ऑफ गुजरात, जैसे आप उसके प्रधानमंत्री हो। बाकी देश में क्या होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहली बात है कि मैं भारत के संविधान को समर्पित हूं और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के तहत मैं गुजरात चलाता हूं, लेकिन मैं इनिशिएटिव लेता हूं। अब जैसे मेरे यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 50 देश वहां रिप्रेजेंट हुए, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के उप प्रधानमंत्री, किसी देश के उपराष्ट्रपति, ढेर सारे देशों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, कोई 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स, ये सारे लोग गुजरात की धरती पर आए, क्योंकि
उनको कहीं कहीं के जाना होता है, वो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली भी एक स्टेट तो है ही है। अब वो गुजरात आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई देश से अलग हो, और गुजरात का जिम्मा है कि वो जितना अच्छा हो सके करें, पूरे विश्व के अंदर गुजरात की अच्छाइयों के माध्यम से देश की अच्छाइयों को पहुंचाए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान सांप्रदायिकता से हटाकर अब विकास की तरफ डालना चाहते हैं, इस पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ग्लोबल गुजरात बनाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया में गुजरात का डंडा पीटता रहे, गुजरात की ओर दुनिया आकर्षित हो, मेरा ये दायित्व है, मुझे करने का गर्व है। लेकिन आपकी पार्टी आज भी विकास के एजेंडे पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही? नहीं नहीं, पार्टी का एक ही एजेंडा है, मैं मानता हूं इस चुनाव में हम इसी बात पर बात कर रहे हैं, देश को तय करना है इस चुनाव में कि देश को वोट बैंक की राजनीति चाहिए कि देश को विकास की राजनीति चाहिए, और गुजरात एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश को लग रहा है कि देश को विकास की राजनीति चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण से सिद्ध कर दिया है कि विकास की राजनीति मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। वो गुजरात में साबित किया आपने, लेकिन जब आपकी पार्टी का एजेंडा देखते हैं, वहां फिर से राम मंदिर की बात हुई, वहां पुराने किसानों की बात हुई है, वहां मजदूरों की बात हुई है, वहां पर नौजवान बेरोजगार नौजवानों की बात हुई है, वहां वीमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, वहां पर फॉरेन पॉलिसी की चर्चा हुई है, वहां पर डिफेंस पॉलिसी की चर्चा हुई है, इन सारे विषयों की चर्चा हुई है। इसलिए मीडिया का एजेंडा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों पर वहां पर चर्चा की है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह लोगों की नौकरियां जा रही है, हर जगह लोगों की तनख्वाहें काटी जा रही है, तो गुजरात में विकास की बात करना, गुजरात में 25 लाख नौकरियों की बात करना, गुजरात में 12 लाख करोड़ की बात करना, ये स्टंट नहीं है? दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने बयान दे दिया 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया है, वो कहते हैं आगे भी जाएगा। मैं ये तो मानता हूं आगे जाने वाला है, सबसे पहला रोजगार जाने वाला है 16 मई को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, इन सबका रोजगार जाने वाला है, इन सबका रोजगार जाने वाला है जो दिल्ली की सरकार में बैठे। लेकिन ये प्रकार का निराशा का भाव, जबकि गुजरात में हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 12 लाख करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन होता है, 25 लाख नौजवानों को रोजगार की संभावना खड़ी होती है, इस विश्वास के साथ गुजरात बोलता है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, रोजी रोटी के लिए गुजरात एक ऐसी जगह बनेगी, देश का कोई भी नौजवान अपना भविष्य अजमाने के लिए गुजरात की धरती पर आ सकता है। विरोधी जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एजेंडा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा एजेंडा है विकास, मेरा एजेंडा रहेगा विकास, और मेरा एजेंडा विकास है जिस पर गुजरात की जनता ने मोहर लगाई है, 3-3 बार मोहर लगाई है। लोग बार बार एक ही बात आपसे पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। मैं वही कहता हूं कि गुजरात के काम को देख करके लोगों का अगर मेरी चर्चा करते हैं तो मैं लोगों को समझा रहा हूं कि गुजरात में हमारी सफलता इसलिए हुई है क्योंकि अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को चलाया है, सिखाया है, समझाया है, और अडवाणी जी गुजरात के सांसद हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण ये बात आप लोगों को इसलिए स्वीकार नहीं हो रही है कि जो लोग चाहते हैं इस पारी में नहीं अगली पारी में सही। देखिए मैं साफ बताता हूं, राजनीति में कभी भी पारिया वारिया नहीं होती है, वो नौकरी में होती है, मजदूरी में होती है जी, अगली पारी। मैं ये मानता हूं अडवाणी जी के नेतृत्व में देश बहुत प्रगति करेगा, बहुत विकास करेगा, विकास भी करेगा, सुरक्षा भी प्राप्त करेगा, ये मेरा कन्विक्शन है। मेरे नेतृत्व में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो साहब ने बहुत कोशिश की आपसे दिल्ली की बात करने की, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली बहुत कम आते हैं, जब दिल्ली आते हैं तो यहाँ रात नहीं बिताते हैं, वापस अहमदाबाद चले जाते हैं। आपकी अदालत में आज हमने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाए उनके नए एजेंडे को लेकर, नरेंद्र मोदी पर नए इल्जाम और नए सवाल पर उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम चलते हैं आज के जज दिलीप चेरन के पास आज के मुकदमे पर फैसले के लिए। अदालत का फैसला यह है कि मोदी इज ट्रूली द मिसाइल मैन ऑफ गुजरात, शायद अडवाणी उनका वॉर हेड हो इस वक्त, और देश में यह सवाल अभी भी रहेगा कि इस इलेक्शन के बाद आगे जाकर गुजरात की प्रगति पे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सारा देश के विकास पे जो उनका नया मुद्दा है
इस मुद्दे लेके अगर दिल्ली आना हो तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो तैयारी पे है, अगले बार शायद वो रेडी होंगे। करना चाहते हैं जस्टिस साहब इसको? भाई साहब, हम तो न्याय के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हम पालन करने के।